नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके चैनल एड वैल्यू टू लाइव्स में। आज हम बात करेंगे कंटिन्यूएशन में अध्याय 8, प्रोस्पेक्ट की कैसे हेल्प करें। ये है अपने एरिक वॉरी साहब के बुक गो प्रो से। ठीक है, अब प्रोस्पेक्ट को जब आप पहली बार मिलते हो और उसको बार बार जब मिलते हो या टच करते हो, इन टर्म्स ऑफ कनेक्ट करते हो, तो उद्देश्य मात्र ये होना चाहिए कि आप उसकी हेल्प कर रहे हो, उसको एडुकेट कर रहे हो, उसको कोच कर रहे हो बेटर डिसीजंस लेने में। ठीक है, अब जब कॉन्वर्जेशन करोगे स्टार्ट से लेकर के जब जब आप प्रोग्रेस करोगे, तब आपका जो मॉडल होना चाहिए, जो मोड होना चाहिए, वो है क्वेश्चन बेस्ड, कि भाई आप उससे अच्छे प्रश्न पूछें जो उससे उसकी बुद्धि को सोचने पे काम में लगाए और वो उसके आंसर ढूंढे, और आंसर ढूंढने के लिए ही और शी वुड डू अ लिटिल बिट ऑफ होमवर्क सर्च अराउंड सो दैट दे देमसेल्व्स पुट द एफर्ट। ठीक है, तो ये एक प्रैक्टिस है जो आपके प्रोस्पेक्ट को बेटर तरीके से तैयार करेगा। अब एरिक साहब फिर ये कहते हैं कि जब भी प्रोस्पेक्ट को आप मिलते हो तो एक प्रोफेशनल के तौर पे मिलो, कि भाई जो आउटकम हो उससे आप इमोशनली डिटैच हो जाओ। आपका उद्देश्य है अगले को गाइड करना, कोच करना, आप अपना काम कर रहे हो, वो कितने अंश तक तैयार होता है दैट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट आपने अपना संयम नहीं खोना है, आपने अपना संयम बना के रखना है। दूसरा साहब कहते हैं कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो अपने अप्रोच में एक स्टेडीनेस का भाव रखते हैं, एक पॉजिटिव पोस्चर का भाव रखते हैं, और उनका जो अप्रोच होता है प्रोस्पेक्ट के प्रति वो एक कोच के तौर पे होता है, वो एक दृढ़ निश्चय वाला एक बिहेवियर होता है, और उनको अंदरूनी एक थोड़ी सी अपेक्षा इस तरीके से होती है कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इतना मैं इसको हेल्प कर रहा हूँ, तो आई होप ये अंडरस्टैंड करे और इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर ले। पर वो जब नहीं करते तो अंदर से आपको एज अ प्रोफेशनल को कहीं ना कहीं थोड़ा सा फील होता है, बट दैट यू हैव टू कीप इट इनसाइड। फिर तीसरा कहते हैं कि साहब जो 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 प्रोफेशनल होते हैं वो अपने आप को प्रमोट करते हैं, कंपनी और प्रोडक्ट को बाद में प्रमोट करते हैं, अपने आप को प्रमोट करते हैं, और वो इस तरीके से के जो प्रोस्पेक्ट है उसके वो एक सच्चे दोस्त, सच्चे कोच, सच्चे मेंटोर के तौर पे एक एक माहौल बना करके करते हैं, ताकि ये हो कि जब प्रोस्पेक्ट always feels healthy and more reliable to reach to the coach, the senior, the upline. ठीक है ना, तो इस तरीके का माहौल, इस तरीके की एक प्रैक्टिस प्रोफेशनल्स बना के चलते हैं। चौथा, प्रोफेशनल्स हमेशा प्रैक्टिस करते हैं, तैयारी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तैयारी करते हैं, और जितना नॉलेज, जितना एक्सपीरियंस, एक्सपोजर गेन कर सकते हैं वो करते हैं, ताकि जब प्रोस्पेक्ट के सामने बैठे और प्रोस्पेक्ट को सवाल पूछे तो उनके पास उन सवालों के भी आंसर हों और वो प्रोस्पेक्ट की हेल्प करें। पांचवा, अगेन साहब कहते हैं कि प्रोफेशनल जो होता है वो हमेशा क्वेश्चंस पूछता है, वो क्वेश्चंस पूछता है, और क्वेश्चन पूछने के बाद एकदम साइलेंट होकर के प्रोस्पेक्ट की बातें सुनता है बहुत ध्यान से। और कुछ लोग तो यहाँ तक करते हैं कि प्रोस्पेक्ट जो कहता है उसकी एक जर्नल बनाते हैं, नोट लिखते हैं कि भाई प्रोस्पेक्ट ने क्या कहा था, या उसी ये कहते हैं कि भाई तू भी लिख। तो होता क्या है कि जब जब उस नोट्स को रेफर करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक विचारों की एक ग्रोथ होगी, करेक्टिव डायरेक्शन एक होगा। अब नेटवर्क मार्केटर्स जो हैं, प्रोफेशनल जो हैं, वो क्वेश्चंस पूछना वो उसको एक पावरफुल टूल के तौर पे लेकर के चलते हैं। अब जब उन्होंने प्रेजेंटेशन करा, बातें बताई, तब फिर सामने वो पूछते हैं प्रोस्पेक्ट को कि भाई आपको
इसमें कोई मीनिंग, कोई तथ्य लगा आपको इस अपॉर्चुनिटी में, इस बात में? बेस्ट क्या लगी बात आपको, इसमें एक रुचि आई, इसमें एक इंटरेस्ट आया आपको, ये जो अपॉर्चुनिटी है ये आपको बेनिफिट करेगी, कैसे करेगी? तो इस तरीके से प्रोफेशनल जो हैं वो प्रश्नों के आगे प्रश्नों के आगे प्रश्न पूछते हैं और अपने प्रोस्पेक्ट को प्रॉपरली एंगेज करते हैं। ये नहीं कि एक रटा रटाया हुआ भाषण दे दिया या बातें कर ली, प्रोस्पेक्ट को ना कुछ पूछा ना प्रोस्पेक्ट को पूछने दिया, ऐसे नहीं कर, मतलब प्रोफेशनल्स डोंट वर्क दैट वे। प्रोफेशनल्स क्वेश्चंस पूछते हैं, जवाब सुनते हैं, और अगर यदि प्रोस्पेक्ट कुछ सवाल पूछे तो उसको भी जवाब अच्छे से देते हैं, ठीक है। अब जैसे उन्होंने एक एग्जांपल दिया एरिक साहब ने कि भाई अगर मैं एज अ प्रोफेशनल, वो अपने प्रोस्पेक्ट को पूछते हैं, भाई मिस्टर प्रोस्पेक्ट एक से लेके 10 तक, एक मतलब बहुत कम मार्क्स हैं और 10 मतलब बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं, आप कितने हद तक तैयार हो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए? तो जैसा प्रोस्पेक्ट जवाब देगा उस हिसाब से जो कोच है, जो जो प्रोफेशनल है, वो उसको फिर आगे और ट्रीट करके अगला एक्सपोजर अगला एक्सपोजर अगला एक्सपोजर कराएंगे, ठीक है। फिर साहब कहते हैं कि एक चार प्रश्नों का, यानी क्लोजर वाले चार प्रश्नों का एक सेट एरिक साहब ने दिया है। पहला क्वेश्चन ये है कि प्रोफेशनल प्रोस्पेक्ट को पूछते हैं कि भाई मिस्टर प्रोस्पेक्ट अभी जो आपने देखा, और यदि अगर आप आज शुरू करते हो, ठीक है, तो आपको कितने पैसे पर मंथ, कितने पैसे पर मंथ जब आप कमाओगे तो आपको लगेगा कि आपका समय सही यूज़ हुआ, ठीक है। तो प्रोस्पेक्ट जवाब देगा कि भाई 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 30,000 रुपये अगर मैं कमाऊं तो मेरे समय की सही कीमत है। तो प्रोफेशनल कहेगा ठीक है, अच्छी बात है। फिर दूसरा प्रश्न पूछेंगे कि ये जो भी अमाउंट आपने बताई, तो इसको कमाने के लिए आप कितने आवर्स, कितने घंटे, दिन के, हफ्ते के, महीने के इन्वेस्ट करोगे, तब ये जाके इनकम जनरेट होगी। तो फिर वो बताएंगे कि मैं दिन का 1 घंटा इसके लिए स्पेयर कर सकता हूँ या दिन के 2 घंटे स्पेयर कर सकता हूँ। तीसरा क्वेश्चन कहते हैं कि इसी तरीके से जब मेहनत करोगे और कंसिस्टेंटली कुछ महीनों तक मेहनत करोगे, तभी जाके 0 to वो जो अमाउंट कहेंगे, मान लो 20,000 का, तो अभी 0 हो पर 20,000 तक पहुंचने के लिए कितने महीने लगेंगे आपको, क्या लगता है? रोज़ अगर आप 1 घंटा 1.5 घंटा डालते हो तो कितने महीने के बाद यू विल रीच दैट 20,000 रुपीज़? फिर चौथा सवाल साहब ये कहते हैं, प्रोफेशनल पूछते हैं कि अगर मैं आपको मिस्टर प्रोस्पेक्ट आपके जो 20,000 कमाने के और आपके जो आवर्स आप डालते हो और कितने महीने करोगे, इसको करने का मैं अगर रास्ता बताऊं आपको, तो क्या आप अभी स्टार्ट करोगे? तो जो पॉजिटिव माइंड वाला होगा, जो स्ट्रांग होगा, वो इमीडिएट पूछेगा ठीक है आप मुझे बताओ कैसे करना है, और जो अगर डाउट करता है या कुछ धीमा आंसर देता है, तो फिर उसको आप अगली मीटिंग के लिए इनवाइट करोगे, मिलने का टाइम बुक करोगे, और यहाँ से लेके वहाँ तक उसको कहोगे कि भाई तू होमवर्क कर, तूने जो 3-4 जो मैंने प्रश्न पूछे या जो जो कॉन्वर्जेशन अभी हुआ उसके ऊपर तू कैसे पॉजिटिवली आगे मूव हो सकता है। तो साहब ये कहते हैं कि इस तरीके से प्रश्न पूछ पूछ के आप प्रोस्पेक्ट की हेल्प करें, ताकि वो आपके प्रश्नों के द्वारा एक डायरेक्शन प्राप्त करे, उसके ऊपर वो होमवर्क करे, उसके आगे वो अपनी ही तैयारी का एक स्ट्रक्चर बनाए आपके साथ बैठ के आपकी गाइडेंस में, ठीक है ना। तो ये करने से साहब कहते हैं कि आप अपने प्रोस्पेक्ट की हेल्प करते हो, और जितने आप प्रश्न पूछोगे, जितना आपका प्रोस्पेक्ट इसके आंसर ढूंढेगा, वो अपने आप में तैयार होता हुआ बढ़ेगा आगे।
और जितने जल्दी जितने स्टेडीली आपका प्रोस्पेक्ट तैयार हुआ, तो आपने क्या करा, आपने अपने जैसा डुप्लीकेट रेडी कर लिया। एकदम 100% आपके जैसा नहीं होगा, बट वो आपके साथ में आपकी दिशा के ओर चलना शुरू करेगा। तो इसमें आपकी स्ट्रेंथ जो है वो डबल हो गई, आप डबल मजबूत हो गए। अब वो भी जो आपने सीखा, आपने उसको सिखाया, वो भी आगे वैसे ही प्रैक्टिस करेगा, तो आपकी शक्ति जो है वो 3 गुना बढ़ गई, आपका पावर जो है वो 3 गुना बढ़ गया। तो इस चैप्टर में साहब ने ये सब बातें बताई हैं। अब आपके मन में अगर कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो, कोई सुझाव हो, प्लीज़ कमेंट में लिखें और मुझे एक गाइड करें, आइडिया दें कि मैं आगे इस सीरीज़ को कैसे ले जाऊँ, कैसे इम्प्रूव करूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करें, पहली बार अगर आए हैं बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगले वीडियोस जब मैं बनाऊं तो आप तक पहुंच जाएं। तो आपका दिन बहुत अच्छा हो, यही शुभकामना कामना के साथ।